पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा अनेक ऐसे उपक्रम सेवा और समर्पण अभियान इसके अंतर्गत में हम पूरे मुंबई में करने जा रहे हैं। 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक विभिन्न क्षेत्रों में मुंबई के ऐसे 6 उपक्रम आगे मेरे बाद हमारे मुंबई के महामंत्री कमलेश डोके जी उसे विस्तार में आपके बीच में रखेंगे। और ये सभी उपक्रम हम सभी के मार्गदर्शक हमारे नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी उनके आदेश अनुसार हम मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अगले 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक करने जा रहे हैं। और सबसे पहला कार्यक्रम जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो है नव भारत मेला। ये 17 सितंबर को सुबह 11 बजे जांबोड़ी मैदान पे जो कामगार एक सभागृह है एक कामगार सभागृह में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जीवनी के जो पिछले 7 वर्षों के अंदर उन्होंने जितने उपक्रम जो भी योजनाएं आम जनता के लिए पूरे देश भर में उन्होंने जो लोगों के बीच लाए हैं ये सभी योजनाओं की एक भव्य प्रदर्शनी मुंबई में भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा की जाएगी। उसकी डिटेलिंग आपको आगे जो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष है अर्जुन मेघे जी आपको बताएंगे। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आने वाले 17 तारीख को आप स्वयं वहां पर उपस्थित रहे क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का उद्घाटन विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद के माननीय प्रवीण भाऊ दरेकर जी उनके हस्ते होने जा रहा है और हमारे मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी के हस्ते होने जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप 17 तारीख को जो हमारे इस सेवा और समर्पण अभियान की जो शुरुआत होने जा रही है उसका एक हिस्सा बनिए और हम युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आप सभी वहाँ पर उपस्थित रहिए। मैं हमारे मुंबई के महामंत्री श्री कमलेश डोके जी से निवेदन करूंगा कि कैसे कैसे युवा मोर्चा कौन से 6 कार्यक्रम करने जा रहा है उसकी जानकारी आप सभी को दें। नमस्कार, मैं मुंबई का महामंत्री कमलेश डोके भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के द्वारा सेवा और समर्पण अभियान की 6 प्रोग्राम अपन 17 तारीख से चालू कर रहे हैं। पहला प्रोग्राम है नव भारत मेला 17 से 19 तारीख तक वर्ली में उसका आयोजन अर्जुन मेघे जी के नेतृत्व में किया गया है। उसमें पिछले साल जो मोदी जी ने 7 साल में जो काम किया योजनाएं जो निर्णय लिए उसके बारे में सब योजनाएं को पंडोल लगेंगे और कार्यकर्ता उसमें सहभागी लेंगे उधर लोकल लोग भी उसमें सहभागी लेंगे। दूसरा प्रोग्राम है रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर हम 6 जिला है मुंबई के उसमें हर जिला में बूथ से लेके विधानसभा और जिला स्तर पर हम रक्तदान शिविर का आयोजन करने वाले हैं। तीसरा प्रोग्राम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें स्वतंत्र सेनानी है मतलब महाराष्ट्र के मुंबई में जो स्वतंत्र सेनानी उनका सत्कार करेंगे। उसका चौथा प्रोग्राम है गांधी जयंती के अवसर पर मतलब जहाँ पे स्लम एरिया है जहाँ पे कचरा वगैरह ज़्यादा है उसमें स्वच्छता अभियान हर बूथ लेवल से विधानसभा जिला अध्यक्ष जिला लेवल पर हम लोग करने जा रहे हैं। और पांचवा प्रोग्राम है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर 25 सितंबर को जयंती के अवसर पर बूथ युवा मोर्चा कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इसमें मास्क वितरण रहेगा मेडिकल कैंप रहेगा आदि स्तर पर अपन युवा मोर्चा के विविध योजनाएं लाभार्थी मतलब जो केंद्र सरकार की योजना है जो लाभार्थी है उसमें उनका अपन जाके उनका सत्कार करेंगे उसके। और छठवां प्रोग्राम है नमो प्रश्नोत्तरी और युवा मोर्चा द्वारा छात्रों के साथ क्विज कंपटीशन मतलब अपन कंपटीशन लेते हैं उनको अपन क्वेश्चन पेपर दे देंगे उसके बाद अपन उनका मतलब जो ये आता है 100 विजेताओं को अपन एक उपहार का प्रमाण पत्र और गिफ्ट देंगे। ऐसे 6 प्रोग्राम भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की तरफ से देवेंद्र जी और मुंबई के हमारे अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी और इनके संकल्पना में ये प्रोग्राम और भाई तेजेंद्र जी इनके अनुसार ये कार्यक्रम हम संपन्न करने जा रहे हैं मुंबई में। धन्यवाद। देखिए हम आम जनता को सभी के लिए निशुल्क एंट्री फीस है कोई भी एंट्री ऐसे नहीं रख रहे तो निशुल्क हम सबको निमंत्रण देने वाले हैं। और हमने जहाँ तक कोविड के एसओपीस का सवाल है
तो हमने पूरा ध्यान रखा है कि एक 6 फीट का अंतर रखते हुए एक एक करके एंट्री करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या कम ज़्यादा संख्या हम बाहर हॉल के बाहर, जो हमारे पास बहुत बड़ी जगह है वहाँ पे लोगों को खड़ा रखें, और कम से कम संख्या में हॉल के अंदर लोगों को एक एक करके, क्योंकि एग्जीबिशन एंट्री और एग्जिट दोनों अलग जगह पर है, तो फायर हैजार्ड को भी ध्यान देखते हुए हमने पूरा आयोजन इस तरीके से किया है। तो कहीं भी कोविड का प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा जाएगा, और सैनिटाइजर हर कोने में रखे गए हैं, ये हमने सुनिश्चित किया है कि कोविड का जो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम पाले। एग्जीबिशन 17 से लेके 19 तारीख के बीच में ऐसे 3 दिन का एग्जीबिशन हमने रखा है, और हमने ये इंश्योर किया है कि जो हमें एक हमने हेल्पलाइन नंबर लोगों को दिया है, जो भी इस एग्जीबिशन में आना चाहते हैं उनको स्लॉट देंगे हम टाइम का, कि ये 15 लोग, ये 20 लोग, ये इतने बजे से इतने बजे तक, ये आधे घंटे के स्लॉट में आए, और दूसरे लोग को एंट्री के लिए समय रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो उस कार्यक्रम के अंदर। हाँ देखो, हमारे संगठन में एक टीम वर्क आपको दिखने में आएगा, इसलिए मैं अर्जुन मेघे जी जो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष है, जो हमारे मुंबई के उपाध्यक्ष भी युवा मोर्चा के, तो मैं अर्जुन मेघे जी से निवेदन करूंगा कि जो हमारा नव भारत मेला आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, उसके बारे में संक्षिप्त में आपके सामने रखे बात अर्जुन मेघे जी। अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना जी ने संधि दिली आहे की एक का मोठा भव्य कार्यक्रम करायची, त्यांनी मला संधि दिली आहे। या कार्यक्रम मध्ये आम्ही काय करणार आहे की आम्ही फ्लेक्स वर प्रदर्शन करणार आहे की मोदी जींचे मागच्या 7 वर्षाचे त्यांचा कार्यकाळ होता पंतप्रधानांचा, त्यांनी जेही योजना आपले सामान्य माणसांसाठी त्यांनी काढले आहेत त्याचा आपण प्रदर्शन करणार आहे हॉलमध्ये करणार आहे। फ्लेक्सवर त्यांचे सगळे कार्यक्रम जेही योजनाचे पूर्ण डिटेल्स असणार, त्याच्यासोबत आम्ही जे नमो ॲप आहे त्याचं रजिस्ट्रेशन असणार, त्याच्यासोबत जेही सरकारी योजना जे आत्ता चालत आहे त्याचं पण पंजीकरणाचं एक केंद्र पण आम्ही तिथे उभं केलं आहे। तर कार्यक्रमची रूपरेषा अशी राहणार आहे की आम्ही 3 सांस्कृतिक कार्यक्रम पण ठेवले आहेत, त्याच्यात भजन असणार, त्याच्या संगती आम्ही आपला पूर्ण महाराष्ट्राची जी संस्कृती कल्चरल एक कार्यक्रम ठेवला आहे जिथे आपल्याला महाराष्ट्र संस्कृती रिलेटेड सगळे गाणे, शिवाजी महाराजांचे पावडे हे सगळं एक दिवशी आपण करणार आहे। त्याच्यासोबत आम्ही पहिल्या दिवशी एक भीमगीत असा कार्यक्रम पण ठेवला आहे जिथे आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्यावर जे गाणे आहे ते गाण्याचं प्रदर्शन होणार आहे, त्याच्यासोबत संविधानाचे पण जे गाणे आहे आणि देशभक्तीचे जे गाणे आहे त्याचं पण तसं प्रदर्शन होणार आहे या कार्यक्रमात। देखिए, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी वो हम सब युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से जो वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच में जो सेवा कर रहे हैं उसे देखकर हम सब युवा प्रभावित होते हैं, और मेरा ये मानना है कि हमेशा युवकों को भी आगे बढ़ चढ़ कर पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जनप्रतिनिधि बनना चाहिए, लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। तो हमारे सबके आइडल ही नरेंद्र मोदी जी है, तो हम सब ने ये सोचा कि उनका जन्मदिन तो हम सबको मिलकर एक अच्छा तोहफा उनको देना चाहिए, ये लोग कार्यक्रम जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर हमको अर्पित कर देना चाहिए उनको। देखिए, हमने बीच में ऐसे 3 दिन रखे हैं जहाँ पर हम लोगों के बीच में जाके सैनिटाइजर्स भी बांटेंगे,
कोविड से रिलेटेड मास्क जो भी और कुछ भी जो ऐसे दवाइयां है ये सब भी हम लोग स्लम्स में और बिल्डिंगों में जाके बांटने वाले समस्त मुंबई में, इसको छोड़कर रक्तदान शिविर भी करने वाले हैं जिससे डायरेक्ट कहीं ना कहीं आम जनता को, लोगों को इसका लाभ होगा। और ऐसे अनेक कार्यक्रम आपको जैसे